हेलो वेलकम अलॉल मेहमान, आप सभी का वेलकम करता हूँ बॉलीवुड गपशप में। और आज मेरे साथ है जेडी सर। पहले तो आप ये बताइए कि 22 जुलाई 2016 में आप खिड़की सीरियल के लिए आए थे और आज 2019 है, 3 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए, वापस नागपुर आने के लिए, इतना इंतज़ार क्यों? इतना इंतज़ार नागपुर वासियों को इसलिए करना पड़ा क्योंकि खिड़की के बाद हमने आप ही के डिमांड पर बनाया सारा भाई वर्सेस सारा भाई। उसके बाद हमारा आपसे वादा था खिचड़ी वापस लाने का, तो खिचड़ी बनाई, फिर बीच में और एक शो किया था और फिर हमने एक ब्रेक लिया क्योंकि हम कुछ ऐसा करना चाहते थे कि भाई जिसमें लोगों को सच में बहुत मज़ा आए, एक कुछ नया खिचड़ी सारा भाई के बाद नया वापस क्या कर सकते हैं परिवार को साथ में इकट्ठा करके। तो 6 महीने का ब्रेक लिया था, एक फिल्म पे ही काम चल रहा है, कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं और साथ में भाखरवड़ी बनाई हमने। ये भाखरवड़ी एक दिन में बनने वाली भाखरवड़ी नहीं है, इसको बहुत वक्त लगता है, तो 6 महीने लगे और हमने बड़ा अच्छा शो, बड़े अच्छे किरदार, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा ऐसा शो बनाया, तो इसलिए इतना वक्त लग गया। जीडी सर, जब भी हमने आपको देखा एक फैमिली शो में ही देखा है, एक ऐसे किरदार में देखा है जो फैमिली को हंसाता है, माता पिता के साथ बैठ के देख सकते हैं, और आजकल की दुनिया में इस ऐसे से शो आ गए जिसको हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, हमने हमेशा एक बात मानी है कि इंडिया इज स्टिल अ सिंगल टेलीविजन हाउस, कि घर में एक होता है चाहे दो भी हो, पर ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि लोग सब साथ में इकट्ठा बैठ के देखे, तो हम खुद भी ऐसा मानते हैं और हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो हम हमारे माँ बाप को ना दिखा सके या तो हम हमारे बच्चों को ना दिखा सके। और हम सबसे बड़ी बात हम अगर इस फील्ड में रखते हैं, सबसे बड़ा कुछ हमारे लिए मायने रखता है तो है हमारा ऑडियंस, हमारे दर्शक। काफ़ी बार ऐसा होता है कि दर्शक कोई चीज़ देख के बदल भी जाता है कुछ चीज़ों में, जैसे हम अगर बात करें तो कुछ ऐसे शोज़ भी बनते हैं जो रियल नहीं होते हैं, पर दर्शक उसमें शायद कभी उस तरफ चला भी जाता है। पर हम ये मानते हैं कि दर्शक बड़ा इनोसेंट है और वल्नरेबल है और हम उनको ग्रांटेड नहीं ले सकते, हम उनकी इनोसेंस को वो बिगाड़ नहीं सकते, और इसलिए हम कभी भी ऐसा शो नहीं बना सकते जो हम नहीं मानते, हम नहीं चाहते हमारा दर्शक देखे। हमको अगर हमारे दिल को, हमारे आत्मा को छूना चाहिए तो ये माप तक लाते हैं। क्या बात है, जो भी नया सीरियल आ रहा है भाखरवड़ी, जिसको बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, कंसेप्ट बहुत सही लग रहा है, एक तरफ महाराष्ट्रीयन फैमिली एक तरफ गुजराती फैमिली, क्या कंसेप्ट है ये और ये क्या धमाका होने वाला है? क्योंकि एक जगह उंधियो है, एक जगह ढोकला है और एक जगह महाराष्ट्रीयन थाली है, पूरी भट्टी की सब्जी है, हमारा मसाला भात है, तो क्या लगता है क्या कंसेप्ट है ये कंसेप्ट? भाखरवड़ी एक ऐसा टाइटल है कि आप भाखरवड़ी को देखोगे तो उसमें बड़े लेयर होते हैं, एक लेयर के अंदर बड़ा मसाला होता है, तो जो लेयर वो कहानी है उसके अंदर किरदारों का ड्रामा, इमोशंस, ह्यूमर, इन सब चीज़ों का एक लेयर लगाया हुआ है, और जिससे ये भाखरवड़ी एक ऐसा फैमिली शो बनेगा जो बड़ा ही चटपटा होगा। अब बात यह है कि आज काफ़ी लोग आज भी ऐसे हैं जो ट्रेडिशन में मानते हैं, हमारी ट्रेडिशन नहीं छूटनी चाहिए, और कुछ होते हैं जो समय के साथ बदलने की बात सोचते हैं, तो दोनों तरह के लोग आज मौजूद है और आप जहाँ पे भी देखोगे तो दोनों तरह के फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वो फैमिली ही क्या जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट तो हमारी ज़िंदगी का ड्रामा है, हिस्सा है, और कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ही दो कदम हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों सब चीज़ में अग्री करेंगे तो कभी नया डायमेंशन आएगा ही नहीं ज़िंदगी। तो ये शो में भी ऐसा ही है कि एक बाप ऐसा मानता है कि मेरा परिवार हमेशा साथ में बैठ के खाए, साथ में सब कुछ काम करे, और बस इतने अब घंटों में काम, इतना ऐसा आराम, इस तरह रहना, और दूसरा सोचता है कि नहीं 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 हमको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आज हाँ देखिए हमारे बच्चे, हमारे कुटुंब, मॉल, ये वो, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम कितना भी कमाए कम पड़ जाता है, हम कितना भी कमा ले हमको कम ही लगता है, हम पहले इससे कम कमाते थे फिर भी खुश थे हमारे बाप दादा। तो एक वो फैमिली है जो आज भी कुछ चीज़ें इसमें मानते हैं, और वो मानते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे रहेंगे तो ही सुखी रहेंगे, और कुछ मानते हैं कि कुछ नहीं, आज पैसा बनाने का मौका है, पैसा बनाओ, एंजॉय करो। अब इसमें से कौन सही कौन गलत वो आप भाखरवड़ी देखेंगे तब पता चलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, लड़की को लड़के के फैमिली की सोच सही लगती है, लड़के को लड़की के फैमिली की सोच सही लगती है, तो एक लव स्टोरी, और वो लव स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट है चक्री घूम जाएगी भाखरवड़ी की तरह, और आप मज़े लेते रहेंगे, कोई टीवी सीरियल में आपने ऐसी लव स्टोरी
नहीं देखी होगी। मतलब ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट के साथ आया हुआ है सब टीवी पे। भाकरवड़ी से याद आया कि एक सवाल कॉमन सेंस वाला पूछ लेते हैं, जो मैं नागपुर की जनता से अक्सर पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम बाजार से खाने के लिए लाते हैं लेकिन खाते नहीं है? I love these expressions. ये क्या ना, इसको गूगली बोलते हैं। मैं भाकरवड़ी कर रहा हूँ, और वहाँ से हमको यहाँ आना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम बाजार से खाने को लाते हैं, खाने के लिए लाते हैं, पर खाते नहीं है। कौन सर? जेडी सर। क्या है ना, वापस आप लोगों के सामने बोलना, यानी सोच के ही बोलना पड़ेगा। ऐसे तो तीन चार जवाब आ रहे कि हम बाजार से खाने के लिए लाते हैं, खाते नहीं। इससे बेहतर एक्सप्रेशन अभी आएगा जब इनका जवाब आएगा तभी। अच्छा सर, वाली स्माइल दिखा दूंगा, खिचड़ी वाली, मैं आंसर दे दूंगा, क्योंकि वो कैरेक्टर हमारे दिल से दिमाग से जाते ही नहीं है। सर, आंसर है बर्तन। ये बर्तन खाते होंगे, मैं मान लेता हूँ। हम खाने के लिए खाते हैं। ये थोड़ा इन्होंने मेरे को ना ट्विस्ट किया, पर देखो ऐसे ट्विस्ट में भी मज़ा आता है, क्योंकि उसी में थोड़ी मस्ती होती है, इसी में थोड़ा ह्यूमर भर आता है, इसी में दिमाग को थोड़ा। तो भाखरवड़ी जो शो है उसमें मैं एक गुण बताना मेरा रह गया था कि इसमें एक मिस्ट्री भी है। इन्होंने जो बताया ना, आपको भी दिमाग कसना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्या आ रहा है, और ओ ऐसा था, वो बर्तन वही होंगे, पर समझ में जवाब नहीं आएगा, वैसा मिस्ट्री भी है। क्या बात है। तो बड़ों के लिए इज्जत वाला शो है, और यंगस्टर्स के लिए प्यार वाला शो है, और बच्चों के लिए एक बच्चों वाला भी शो है, मस्ती वाला शो है। तो जाते थे नागपुर के दर्शकों के साथ क्या कहना चाहोगे? जाते जाते मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि 11 फरवरी की रात को 8 बजे से ये शो शुरू हो रहा है, ये मिस मत कीजिएगा। मेरी बात एक दावे से कहता हूँ, इतने सालों से मैंने जितने भी प्रोग्राम बनाए, मैं आपको बोलता हूँ, इसका पहला एपिसोड ज़रूर देखेगा, ये हमारी ज़िंदगी का आज तक का बेस्ट एपिसोड है। आप देखेगा ज़रूर 11 फरवरी रात 8 बजे सब टीवी पे। मैं ये लफ्ज़ हर बार नहीं बोलता, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एपिसोड है। क्या बात है। तो देखते हैं ना, भूलिए 11 फरवरी को रात को 8 बजे सब टीवी, जो कि सबके लिए होता है, फैमिली के लिए होता है। और मैं मान यहाँ से तो अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ, और कुछ नए हसमुख किरदारों के साथ। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर।